डायल एंड डेड में आज बात सबसे पहले राजस्थान की एक जेल में हो रहे खेल की, जहां खेला जा रहा है जुर्म का खेल और जहां तोड़े जा रहे हैं कानून और नियम। यूं तो अक्सर राजस्थान की जेलों से गैंग ऑपरेट करने और खूंखार बदमाशों की करतूतों की खबरें सामने आती रहती हैं। जेल में बंद कैदियों के पास मोबाइल होने के मामले भी सामने आते रहते हैं, लेकिन जेल अधिकारी अक्सर उससे इनकार करते हैं। लेकिन आज हम आपको एक उस जेल की तस्वीर दिखाते हैं जहां बैठा एक गैंगस्टर गवाह के लिए धमकी देता है, और वो भी मोबाइल फोन के जरिए। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर पूरा मामला है क्या। रिपोर्ट कोटा से। राजस्थान की ये वही जेल है जहां करीब 2 महीने पहले डिप्टी जेलर और कैदियों के बीच चल रही सांठगांठ का खुलासा हुआ था। जहां खुलासा हुआ था वसूली रैकेट का, जहां खेला जा रहा था मिलीभगत का खेल। लेकिन एसीबी ने उस मामले का खुलासा कर गुनहगारों के चेहरे बेनकाब कर दिए थे। चलिए अब आपको बताते हैं गैंगस्टर की मोबाइल से धमकी, जो चली थी सलाखों के पीछे से और बाहर तक, और जिसका मामला उदयपुर के भोपालपुरा पुलिस थाने में दर्ज किया गया है। दरअसल यहाँ उदयपुर का गैंगस्टर नरेश एक हत्याकांड के गवाह को मोबाइल पर धमकी दे रहा है, और खुद नरेश इसी हत्याकांड का मुख्य आरोपी है और कोटा सेंट्रल जेल में बंद है। चलिए अब आपको सुनाते हैं वो बातचीत जिसके बाद जेल और पुलिस महकमे में भी हड़कंप मचा हुआ है। आपको बताते हैं गैंगस्टर नरेश की वो बातचीत जिसमें नरेश कहता है कि उस पर दिल खोलकर विश्वास करना, आज नहीं तो कल वो निकलेंगे जरूर। हालांकि फर्स्ट इंडिया एसआरडीओ की पुष्टि नहीं करता। ये पूरी बात मारवाड़ी में हुई है, जिसके कुछ अंश से आपको भी रूबरू कराते हैं। हेलो, हां गुड मॉर्निंग भैया। हां भैया, क्या है? तैयारी लखन अब आगे से मैं नहीं देनो कोई बोलते का प्रोग्राम में तो निकलना आपने घंटी कर दू और फते मिला गई आप गटी मिले फते कहीं मिला था काले तो मैंने गवे फते कहीं मिला और टाइम तो है नहीं है बाबा रुको हेलो 2 घंटा में फिर मारे नंबर पे फोन करो आप बात करो चालू हो गया फोन करो हेलो हाँ अरे यू कह रहा हूँ यार बनाना फोन जीरो है कहीं तो अबे बनाना कहीं कहा यू बताओ अपने खाली 2 घंटा रुको 2 घंटा में उन्हें जो भी मरने सेट करने ना आपने फोन कर दूंगा ठीक है बात निकलो हाँ अरे यो बॉम्बे फोन है क्या बात कर रहे हो हेलो हेलो हाँ हेलो लो कुंदन बात जय माता दी भैया अरे जय माता दी भैया यार यार मैं गिरू गए वो क्या बात वो डेबा नहीं दिया हमने गाँव यार अगर आप एक बार मिले एक बार मणि मिले तो देता किशन जी ने यार किशन जी एक बार मिला है ना लेना है वो बच में पहला लेना है वोटा बात किशन जी रिश्ता बोल के बुरो जो ना उदयपुर बाहर नहीं किया यानी कि ना दूर का तो लाग गया हमने यार ये क्यों अच्छा मारी बात सुनो नहीं गिरू अगर माना कि काले मंडी तारीख है कोशिश कर सकते हैं नहीं वे तो नहीं उतर आपको नहीं अगर आप देखो आप
मैं आपने स्पष्ट आपने जो मौको मिलेगा जो आप काम कर लगा मौको मिलना जीरो अगर आपने काले मौको मिल गया हाथों हाथ चला मैं देख रहा आप कहीं भी खर्च पानी पेमेंट दे लेना ताकि बंदे वो बंदे आप असो अंदर में रखो कि जनी समय आप फोन करा वही समय वो हाजिर रह रही और कहीं नहीं आपने कॉन्टेक्ट में रखो माने कॉन्टेक्ट मत रहो कोई दिक्कत नहीं हाँ तो जनी समय अगर भाई समय भाई अगर अगर आप काले बुलाना चाहवा काले अगर अगर आपने मौको मिल गया कोर्ट में तो मैंने बोले हाथों हाथ फ्री करे तो भी तैयारी लेने देने की बात है वो सब क्लियर करना फ्री में हो गया ताकि वो भी आप भी फ्री आपने भी आपस में तो वो नहीं क्लियर मतलब क्लियरेंस भी जाओ जाना रही है और कहीं भैया मैं दो घंटे में मिलूंगा और दो घंटे में मत कहीं करना है अच्छा अच्छा आप एक काम कर जो आप सब दो ही काम हम निपटे आप आप देख किशन जी कॉन्टेक्ट करो किशन जी बात करो किशन जी कॉन्टेक्ट करो अगर मौको मिल गया तो काले उतरे दांगा अगर मौको नहीं मिलो तो आप एक तारीख और लांगा ना अगली तारीख भी कहीं भी हालत उतरे दांगा आप है ना ठीक है यू यू देख रहा और अगर अगर आप देख रहा काले नहीं भी अगर काले मौको मिल गया ठीक है नहीं भी तो फिर आगे मैंने आप तैयार कर रखो और कहीं और वन्य आप यूँ कह दीजिए कि माने तेरे को निश्चिंत रहे और वो कोर्ट में आएगा नहीं तो वनडे करने टच भी नहीं करवा दांगा ये माल मत विश्वास रख देगा कि वरना कोई में टच भी कर देना है ना एक बार खाली काम कर दे वरना बाकी सब ना देख लांगे दिक्कत वाली बात नहीं है ना हां भाई सर बस बस और मारे मारे अगर मारे माते अगर आप लोग विश्वास कर दिल खोल विश्वास करो आज निकाले मैं निकलांगा जरूर मगर आप कभी परेशानी नहीं आवा दांगा माँ ठीक है भैया है ना ठीक है ना और यू है कुल मिले आप अतरो ध्यान माँ मतलब आपने माते ध्यान रख दो ठीक है ठीक है तो आप बनने भी तैयार करो अगर भाई चांस उतरना मौको मिल गया तो काले उतरे दांगा अगर मौको नहीं मिलो तो मुझे आगे उतराऊंगा और बयान कोटी जो भी लेने देनी है जो भी लेगा देगा वो आप हैंड केस टू केस मतलब केस कर दांगा आपने कहीं टेंशन हो गया ना ठीक है फिर आप एक काम करो दो घंटा जो भी आपका काम हम निपटे मैं किशन जी भी उदयपुर पधार रहा आप उदयपुर ले जाओ एकदम आप और किशन जी मिलने सलामत और कली मोर किशन जी ने हमसे तो कही है कहीं नहीं है ठीक है फिर ठीक है ना मैं आपने वापस फोन करूंगा घंटा दो घंटा बाद हाँ हाँ भैया ठीक है आपको बता दें कि ऑडियो वायरल होने के बाद कोटा से लेकर उदयपुर तक जेल और पुलिस प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। उदयपुर पुलिस ने नरेश और उसके साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं गैंगवार ना हो इसलिए ही उदयपुर सेंट्रल जेल प्रशासन ने नरेश की गैंग को 3 साल पहले कोटा जेल में शिफ्ट करवाया था। आपको बता दें कि 2 महीने पहले अप्रैल में कोटा ईसीबी ने डिप्टी जेलर बत्तीलाल द्वारा चलाए जा रहे वसूली रैकेट का भंडाफोड़ किया था। इसके बाद जेल में एक के बाद एक सघन जांच भी हुई लेकिन प्रशासन को जेल के अंदर कोई मोबाइल नहीं मिला। लेकिन अब एक बार फिर जेल से ही गैंगस्टर द्वारा गवाहों को धमकी भरे फोन किए जा रहे हैं तो फिर आसानी से समझा जा सकता है कि आखिर कोटा जेल में किस तरह खेला जा रहा है गुनाह का खेल। कोटा सेंट्रल जेल से गैंग ऑपरेट करने की सुगबुगाहट लगातार जारी है। जेल के अंदर से मोबाइल फोन का इस्तेमाल भी बेधड़क हो रहा है। वो बात अलग है कि जेल प्रशासन और स्थानीय प्रशासन को सघन तलाशी के बावजूद भी मोबाइल और आपत्तिजनक वस्तुएं नहीं मिलती। वैसे तो जेल में तलाशी अभियान समय समय पर होना चाहिए लेकिन प्रशासन को जेल से अपराधियों के कारनामे उजागर होने का इंतजार रहता है और अपराधी चेकिंग के वक्त चौकन्ने हो जाते हैं। गुल मोहम्मद मुल्तानी, फर्स्ट इंडिया न्यूज, कोटा।